हेलो गाइस, यूनिवर्स नॉलेज में आपका स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक कुमार और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आइंस्टीन प्रेडिक्शन पार्ट 3 वर्म होल एंड व्हाइट होल के बारे में। तो इसी के साथ वीडियो करते हैं स्टार्ट और लास्ट तक आप वीडियो देखते रहिए। वर्म होल जो है स्पेस टाइम में एक शॉर्टकट होता है जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आपस में कनेक्टेड होते हैं। हम एग्जांपल से समझें तो हम एक पेज लेते हैं तो उसमें हम मार्क कर देते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो हम पॉइंट ए से पॉइंट बी हमें ट्रेवल करना है तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ट्रेवल करने में। लेकिन उसी पेज को हम मोड़ दें तो और पेन से हम उसे छेद कर दें तो एक शॉर्टकट रास्ता बन जाता है पेन का। तो उसके ज़रिए हम जो है बहुत ही जल्दी जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट पर ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक, तो ये वर्म होल जो है उसमें जो है लाइट पास हो सकती है, मतलब कि अगर हम वर्म होल को बाहर से देखें तो उसके अंदर की चीज़ें हमें दिखाई देंगी, जैसे कि गैलेक्सीज और भी प्लैनेट्स हमें वहाँ पर नज़र आएंगी। ठीक, जैसे इंटरस्टेलर मूवी में हमने देखा था। वर्म होल को हम फाइंड कर लें या फिर उसे क्रिएट कर लें तो हम उसके ज़रिए हम फास्टर देन लाइट ट्रेवल कर सकते हैं। तो वर्म होल जो है एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है लेकिन थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है। तो हम बात करते हैं 1935 नॉर्टन्स रोजन एक साइंटिस्ट थे जो कि आइंस्टीन फील्ड इक्वेशन का यूज़ करके इन्होंने वर्म होल के सॉल्यूशंस दिए थे। तो इन्होंने वर्म होल को स्पेस टाइम में एक ब्रिज के रूप में देखा था जो कि दो पॉइंट को आपस में कनेक्ट करता है। तो इसलिए वर्म होल को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, आइंस्टीन रोजन ब्रिज। तो व्हाइट होल जो है ब्लैक होल का ठीक अपोजिट होता है। ब्लैक होल जो है ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और व्हाइट होल जो है ऑब्जेक्ट को अपने से दूर फेंकता है। तो मैं यहाँ पे एक इमेज दिखा रहा हूँ आपको, तो एक ब्लैक होल है और एक व्हाइट होल है। अब इसमें जो टनल बन रही है वो आप कह सकते हैं या फिर ब्रिज आप बोल सकते हैं, तो उस चीज़ को हम कहते हैं वर्म होल। तो आप देख रहे होंगे स्पेसक्राफ्ट है जो कि ब्लैक होल के अंदर जा रहा है और वर्म होल से होते हुए व्हाइट होल से बाहर आ जा रहा है। तो ये थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है लेकिन फिजिकली हम बात करें ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि जब हम ब्लैक होल से होते हुए वर्म होल की तरफ आ रहे हैं तो वहाँ पर इनफाइनाइट टाइम लूप प्रोड्यूस हो रहा है। क्योंकि ब्लैक होल के अंदर जो हम जाते हैं तो टाइम हमारे लिए स्लो हो जाता है, तो इसलिए हम व्हाइट होल की तरफ नहीं बढ़ सकते, वर्म होल के बीच में ही हम हमेशा के लिए फंसे रह सकते हैं। एक बात और बता दूं कि ब्लैक होल के पास जो है सिंगुलैरिटी होती है और वर्म होल के पास जो है सिंगुलैरिटी नहीं होती, वहाँ पर टाइम लूप होता है। तो हम जब भी ब्लैक होल से के अंदर जाते हैं और वर्म होल की तरफ आते हैं तो वहाँ पर टाइम लूप प्रोड्यूस होने लगता है। तो इसलिए जो है हम कभी भी व्हाइट होल की तरफ नहीं जा सकते हैं। तो हम बात करें टाइम लूप क्या होता है, तो हम सिंपल भाषा में समझते हैं टाइम लूप को। आप मान लीजिए आप एक ही दिन को आप बार बार जी रहे हो तो हम उसे कहते हैं टाइम लूप। अब इस चीज़ को अगर हम फिजिक्स के लैंग्वेज में समझें तो आप मान टाइम का फ्लो कैसा होता है, लीनियर होता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इस तरीके से जो है टाइम का फ्लो जो है लीनियर है। अगर हम टाइम का फ्लो लीनियर ना करके हम सर्कुलर कर दें तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर फिर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो इस तरीके से जो लूप बनेगी वो जो इफेक्ट होगा हम उसे कहेंगे टाइम लूप। हम अपने कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ते हुए हम इमेजिन करते हैं कि अभी मैंने बताया था, इमेज दिखाया था, एक ब्लैक होल था एक वाइट होल था, अब इसमें जो टनल बन रही थी वो वर्म होल था। तो हम इमेजिन करते हैं कि एक साइड ब्लैक होल है और दूसरी साइड भी ब्लैक होल है, अब इसमें उनके टनल मिल रही है जिसे हम कह रहे हैं वर्म होल। तो जब भी वर्म होल क्रिएट होता है तो उसकी टनल जो है वो ब्रेक हो सकती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ऑफ टू ब्लैक होल्स, उन दो ब्लैक होल्स की ग्रेविटी की वजह से वो ब्रेक हो सकती है। तो सवाल आता है कि ये जो टनल जो है कोलाइड हो रही तो कैसे उस पर कोलाइड है, वो ब्रेक क्यों नहीं हो जाती। तो आंसर है तो एक क्वांटम इंटेंगलमेंट की वजह से होता है। तो वहाँ पर जो ब्लैक होल की जो सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्वांटमली इंटेंगल्ड हो जाते हैं, तो इसी वजह से जो है दो ब्लैक होल के बीच में वो टनल बनी रहती है, वो ब्रेक नहीं होती है।
तो हम बात करते हैं कि क्वांटम इंटेंगलमेंट आया कहाँ से। ये क्वांटम फ्लक्चुएशन से आया। तो मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ क्वांटम फ्लक्चुएशन क्या होता है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और हॉकिंग रेडिएशन में भी मैंने बताया है। तो क्वांटम फ्लक्चुएशन में वर्चुअल पार्टिकल्स जो बनते रहते हैं और एनर्जी के फॉर्म में वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो क्वांटम फ्लक्चुएशन जो है ये भी बताता है कि एंटी ग्रेविटी एनर्जी और एंटी ग्रेविटी मास, या फिर हम कहें नेगेटिव एनर्जी एंड नेगेटिव मास जो है एग्जिस्ट करती है। वो होल दो ब्लैक होल की ग्रेविटी की वजह से जो उसकी जो टनल बन रही है वो कभी भी ब्रेक हो सकती है। तो उसे स्टेबल रखने के लिए हमें नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव मास की ज़रूरत है। तो फिजिसिस्ट ऐसा मैटर सोच रहे थे जिनके पास नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव मास हो, तो उन्होंने उस मैटर का नाम दिया एग्जॉटिक मैटर, जो कि दो ब्लैक होल्स की ग्रेविटी को ओवरकम करेगी। तो अब हम बात करते हैं वर्म होल के टाइप के बारे में। तो वर्म होल के 6 टाइप्स हैं। तो पहला टाइप है ट्रेवर्सेबल वर्म होल। ट्रेवर्सेबल वर्म होल जो होता है कि हम बोथ डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकें। मतलब हम मान लें पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो हम पॉइंट ए से पॉइंट बी ट्रेवल कर सकते हैं और पॉइंट बी से पॉइंट ए ट्रेवल कर सकते हैं। तो हम बोथ डायरेक्शन में ट्रेवल कर पाए तो उस वर्म होल को कहते हैं ट्रेवर्सेबल वर्म होल। और दूसरा टाइप है नॉन ट्रेवर्सेबल वर्म होल। तो मैंने अभी एग्जांपल दिया था दो ब्लैक होल्स हैं और आपस में जो टनल बन रही है कोलाइड हो रहे हैं तो एक वर्म होल बना रहे हैं। तो ठीक, वो जो है नॉन ट्रेवर्सेबल वर्म होल का एग्जांपल है। ठीक, और तीसरा टाइप पर आते हैं वन वे। तो ब्लैक होल और वाइट होल ये दोनों ही जो है वर्म होल के टाइप्स हैं। ठीक, और चौथा टाइप है टू वे, जो कि राउंड ट्रिप वर्म होल होता है। ठीक, तो पांचवे टाइप पर आते हैं इंट्रा यूनिवर्स। इंट्रा यूनिवर्स मतलब अपने ही यूनिवर्स में ट्रेवल करना, मतलब कि अपने ही यूनिवर्स में अपने गैलेक्सी से एक दूसरे गैलेक्सी में ट्रेवल कर सकते हैं, या फिर एक सोलर सिस्टम से दूसरे सोलर सिस्टम में ट्रेवल कर सकते हैं, या फिर एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे हम जा सकते हैं। तो हम उसे कहते हैं इंट्रा यूनिवर्स कहते हैं। ठीक, तो छठा टाइप है इंटर यूनिवर्स। इंटर यूनिवर्स में जो है मल्टीपल यूनिवर्स या फिर हम पैलर यूनिवर्स में ट्रेवल कर सकते हैं। तो एक यूनिवर्स है, उसके नीचे एक और पैलर यूनिवर्स है, तो हम ट्रेवल कर सकते हैं। तो उस यूनिवर्स जो हम कहेंगे वर्म होल को हम इंटर यूनिवर्स। ठीक, तो आपको एक इमेज दिख रहा होगा। तो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में हम ट्रेवल कर रहे हैं, तो दूसरे यूनिवर्स से हम तीसरे यूनिवर्स में हम ट्रेवल कर रहे हैं, तो हम उसे कहेंगे इंटर यूनिवर्स। तो हम अब बात करते हैं क्या फिजिसिस्ट ने वर्म होल कभी क्रिएट किया है। तो हाँ, 2015 में फिजिसिस्ट ने एक मैग्नेटिक वर्म होल क्रिएट किया था। ठीक, और दूसरा जो है नेगेटिव मास जो है 2017 में वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के फिजिसिस्ट ने एक नेगेटिव मास को भी क्रिएट किया था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।